कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। सुल्तानपुर उप प्रधान नरेश नरुका को क्या है ट्रैप, ठेकेदार से 50,000 रुपए की घूस ले रहा था उप प्रधान। कोटा एसबी एएसपी प्रेरणा शेखावत के निर्देशन में सीओ वासुदेव की टीम ने की पूरी कार्रवाई। तो घूसखोर की तस्वीर भी आप तक पहुंचा रहे। तो कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर, सुल्तानपुर उप प्रधान नरेश नरुका को ट्रैप किया गया है। अब इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भंवर एस चारण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भंवर, आपसे जानकारी चाहेंगे कि किस तरीके से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया और घूस की राशि टोटल कितनी थी। देखिए, 50,000 रुपए की घूस लेते हुए उप प्रधान सुल्तानपुर नरेश नरुका एसीबी के हाथे चढ़े हैं और कोटा एसीबी की ग्रामीण यूनिट की एएसपी प्रेरणा शेखावत के निर्देशन में सीआई वासुदेव चारण की टीम इस वक्त सुल्तानपुर पंचायत समिति कार्यालय में ट्रैप की कार्रवाई को इस वक्त भी अंजाम दे रहे हैं। एक्सक्लूसिवली हम उप प्रधान की तस्वीर भी दिखा रहे हैं और आपको ये भी बताएं कि ये उप प्रधान नरेश नरुका पेशे से पत्रकार भी है। असल में कोटा में 8-लेन नेशनल हाईवे जो कि दिल्ली से मुंबई के बीच बन रहा है, उसका कई किलोमीटर हिस्सा कोटा में पड़ता है और उसके निर्माण का काम चल रहा है। उसी के ठेकेदार से उप प्रधान रिश्वत की राशि वसूल कर रहा था और इस बात के लिए लगातार धमका रहा था ठेकेदारों को कि आप यहां से 8-लेन की सड़क बनाने के लिए जिस मिट्टी का उठाव करते हैं, मैं उसमें पब्लिक इशू पैदा कर दूंगा, जनता को इकट्ठा कर दूंगा, न्यूसेंस हो जाएगा, वहां पर धरना प्रदर्शन शुरू हो जाएगा और आपको मिट्टी मिल नहीं पाएगी। अगर आपको इस सब झमेले से मुक्ति पानी है तो आपको मुझे पैसे देने होंगे। रायुषी, एक महत्वपूर्ण बात मैं यहां पर यह भी जोड़ना चाहता हूं कि दिल्ली मुंबई 8-लेन हाईवे के इस निर्माण के दौरान कई अधिकारियों को भी घूस खिलाई गई है। इस तरह के इनपुट भी लगातार पत्रकारों को भी मिलते रहे हैं और साथ में एसीबी को भी मिलते रहे हैं। आज एक जनप्रतिनिधि यानी उप प्रधान सुल्तानपुर का एसीबी के हत्थे चढ़ा है। इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि क्या एसीबी इस पूरे मामले में बड़े मगरमच्छों तक भी पहुंचेंगी, कुछ अधिकारियों की घूसखोरी की जो बात सामने आ रही है क्या उनका भी राजपाश होगा, यह महत्वपूर्ण बात है। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर ये कि कोटा की सुल्तानपुर पंचायत समिति का उप प्रधान नरेश नरुका रंगे हाथों 50,000 रुपए की ठेकेदार से घूस लेते हुए एसीबी के हत्थे चढ़ा है। जी बिल्कुल भंवर, अब देखना यह भी महत्वपूर्ण होगा कि आगे जब कार्रवाई पूरी होगी तो क्या कुछ अहम खुलासे होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।